हेलो, आज हम आ चुके हैं निम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये देख सकते हैं निम्स मेडिकल कॉलेज का ये निम्स हॉस्पिटल है, और ये इस साइड जो आप देख रहे हो बड़ी सी बिल्डिंग, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। निम्स मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल में अंदर आपको बताने वाला हूँ, कैसा कैंपस है, किस तरह का हॉस्पिटल है, कैसा पेशेंट फ्लो है, और कितने स्कोर पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, और फीस स्ट्रक्चर क्या है। सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये कॉलेज ये अपना जयपुर से दिल्ली वाला जो हाईवे है, मेन हाईवे, अभी तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन गया तो काफ़ी ट्रैफिक उस पर भी डाइवर्ट हो गया, लेकिन मेन हाईवे है ये जयपुर से दिल्ली, और बिल्कुल हाईवे के ऊपर आप ये देख सकते हैं ये हॉस्पिटल सेटअप है, और इसी वजह से यहाँ पर पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सारे फ्लैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण यह है कि काफी सारे कंट्रीज के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर से करीब 35 किलोमीटर बाहर कुकस नाम की एक जगह है, यहाँ पर सेटअप किया हुआ है एक ही कैंपस के अंदर। आप देख सकते हैं पीछे मेरे निम्स नर्सिंग कॉलेज है, ये इधर आप देख पा रहे हो निम्स स्कूल ऑफ लॉ, तो लॉ कॉलेज ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, और इस साइड ये जो पूरा साइड है ये पूरा मेडिकल कॉलेज का कैंपस है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जयपुर में 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 5,000 से ज्यादा क्वालिफाइड फैकल्टीज, 1,000 प्लस रिसर्च प्रोग्राम्स और 250 MBBS सीट्स हैं। ये कैंपस बहुत ही विशाल 250 एकर्स में फैला हुआ है और लगभग 22 साल से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। MBBS के साथ ही यहाँ पर MD, MS और DM MCH की भी शिक्षा दी जाती है। निम्स मेडिकल कॉलेज 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था, और कैंपस में आप जैसे ही एंटर करोगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, सब जगह बैटरी कार्स जो हैं वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजिट कराने के लिए हेल्प करती हैं। हालांकि कैंपस काफ़ी बड़ा है, आपको अंदर घूमने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है। मेरे लेफ्ट साइड में आप दिखाई दे रहा है ये है निम्स का डेंटल हॉस्पिटल, और आप देखते हैं, देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉक 3, और कैंपस इंटरनेशनल लेवल का कैंपस है। अंदर भी आप देख सकते हैं सभी जगह जो फ्लैग्स लगे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने देशों के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक पूरा मॉल है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा शहर से बाहर है, और ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के सामने अभी इस समय पर जहाँ से हम निकल रहे हैं वो है हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, जो कि 840 बेडेड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस साइड कैफेटेरिया है, फार्मेसी वगैरह सब अंदर है, लेकिन काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलेगी, अगर आपने पिछले सालों के मैट्रिक्स देखे हो तो, कंटिन्यूस यहाँ की डेंटल की भी एक भी सीट खाली नहीं जाती है, और सेकेंड काउंसलिंग तक सारी सीट फुल हो चुकी होती है। वहीं अगर हम पेशेंट्स फ्लो की बात करें तो भीड़, अभी मैं इस समय पर दिन के 3 या 4 बजे हूँ, जिस समय पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट OPD खत्म हो चुका होता है, लेकिन फिर भी आपको स्टूडेंट्स और पेशेंट्स दोनों का ही फ्लो इस पूरे एरिया में नजर आ जाएगा। और बाकी जो बात पता चलती है वो है यहाँ की पार्किंग से, आप पार्किंग देख सकते हैं, और ये देखिए इस तरह की गाड़ियां आपको यहाँ पर ट्रांजिट करने के लिए हेल्प करती हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट, क्योंकि काफी बड़ा कैंपस है। ये जो दिखा है आपके सामने ये विशाल कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, और इस कैंसर हॉस्पिटल को, क्योंकि इस लेवल पर इसको विजुलाइज किया गया कि इसको आगे इसके ऊपर हेलीपैड भी लगाया जाएगा। ये देखिए हेलीपैड स्पेशल फैसिलिटी, प्लस इसके अंदर कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और एंडोक्राइन और न्यूरोलॉजी, प्लस इसके अलावा पूरा हॉस्टल कैंपस है, लेक्चर थिएटर। हॉस्पिटल में 24 आवर एम्बुलेंस सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, आउटडोर OPD और IPD, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, और सभी तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स के पेशेंट्स भी यहां पर आते हैं। साथ में ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स और ब्लड बैंक भी है। यहां पर हॉस्पिटल सभी तरह के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो भी है, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। कॉलेज रैगिंग पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो करता है। इस साल नीट का कट ऑफ इस कॉलेज के एडमिशन के लिए कितना रहेगा,
ये आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये जानने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अपडेट निम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स जो आपको चाहिए थे वो सब मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट्स राजस्थान में जाके अपना मेडिकल स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है निम्स मेडिकल कॉलेज। कम फीस वाले कॉलेजेस हैं ये, बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में इसकी फीस कम है। तो अगर आप थोड़ा लो बजट राजस्थान में चाहते हैं तो ये लोएस्ट बजट वाले कॉलेजेस के अंदर का नाम आता है। सबसे अच्छी बात है निम्स मेडिकल कॉलेज की खुद की यूनिवर्सिटी है, तो आपको जो पढ़ाई एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी कोई और प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कौन से कैंपस को आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं सारे जो भी मेडिकल कॉलेज आप सर्च कर रहे हैं उन सभी के कैंपस टूर कर रहा हूं। कौन सा मेडिकल कॉलेज आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक चैट कम्युनिटी का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है जो कि व्हाट्सएप चैट कम्युनिटी है, पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। ना आपका नाम किसी के पास जाएगा, ना आपका नंबर किसी से शेयर होगा, ना ही दूसरे का नंबर आपके साथ शेयर होगा। आप उस पर लिंक कर दें, जो भी अपडेट्स आ रहे हैं नीट से रिलेटेड, नीट काउंसलिंग से रिलेटेड, वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए यूनिसेफ ग्लोबल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।